हेलो ऑल कैसे हैं आप सब लोग सो so, आज हम ना सूरत की एक बहुत ही फेमस ड्रिंक बनाने वाले हैं जिसका नाम है कोल्ड कोको यस बहुत ही फेमस ऐसी ये ड्रिंक है सूरत में और बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये ड्रिंक बनती है सिमिलर है हॉट चॉकलेट के जैसी ये ड्रिंक ठंडी सर्व की जाती है बहुत ही डिलीशियस बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चॉकलेटी है सो लेट स्टार्ट इन्ग्रीडियंट्स में यहाँ पे हमने कोको पाउडर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, शुगर चॉकलेट और मिल्क लिया हुआ है तो सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे मिल्क जो कि मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है और उसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक उसमें बॉईल नहीं आता है इसे बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पे हम इसे आराम से रख देंगे और बॉईल होने तक वेट करेंगे जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे थोड़ा सा मिल्क मैंने 500 हंड्रेड में से थोड़ा मिल्क मैंने साइड में निकाल लिया था उसी के अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर बहुत ही कम क्वांटिटी कॉर्नफ्लावर ली है उसी के अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर और इसे अच्छे से हम मिक्स करके लेंगे एक अच्छा स्मूथ मिक्सचर इसका रेडी करके लेंगे ये मिक्सचर हम हमारे मिल्क में ऐड करने वाले हैं तो लम्ब्स ना हो इसलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करके ले रहे हैं सो so, यहाँ पे अभी हमारा मिल्क भी अच्छे से बॉईल हो गया है अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो मिक्सचर हमने रेडी किया था कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर का वो इसमें हम अभी ऐड करेंगे बहुत ही स्मूथ ऐसा टेक्सचर उस मिक्सचर का बन गया है और अभी हम उसे अच्छे से मिल्क में स्टर करेंगे सो स्टरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है इन बिटवीन कंटिन्यूसली उसको स्टर करते रहना है ताकि वो थिक होते वक्त नीचे ना लगे और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट यूज़ किया है अगर आपके पास प्योर चॉकलेट है तो आप प्योर चॉकलेट यूज़ करो कंपाउंड चॉकलेट है तो कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करो चॉकलेट से क्या होगा थोड़ा रिचनेस आएगा हमारे कोको -को, को सो इसलिए हमने इसमें चॉकलेट ऐड किया है जब तक चॉकलेट अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसको विस्क करते रहना है स्टोर करते रहना है सो यहाँ पे चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम ऐड करेंगे शुगर शुगर यहाँ पे मैंने बहुत ही कम्फर्टेबल स्पून ऐड किया बिकॉज चॉकलेट में स्वीटनेस है और उतना स्वीटनेस इनफ होता है सो so अब अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा स्वीट चाहिए तो उसके हिसाब से आप शुगर ऐड कर सकते हो तो यहाँ पे शुगर ऐड करने के बाद ये अच्छे से मेरा रेडी हो गया है बॉईल आ गया है अब हम इसे साइड में निकाल के उसे अच्छे से स्टर करेंगे जब तक ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता ये रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसे सर्व करेंगे इन ग्लासेस तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्लासेस लिए हुए हैं उसके अंदर हम डालेंगे आइस क्यूब्स यहाँ पे क्रश आइस मैंने लिया है और उसी के साथ हम इसमें कोको ऐड करेंगे सो so, ये कोको हमारा रेडी है अच्छा ठंडा भी हो गया मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं किया था तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से सर्व करके लेंगे इसी तरीके से हम दूसरा ग्लास भी सर्व करके लेंगे बहुत ही डिलीशियस बहुत ही रिच और बहुत ही क्रीमी ऐसा ये कोल्ड कोको है आप ज़रूर ट्राई कीजिए मैंने हॉट चॉकलेट का रेसिपी भी हमारे इसमें शेयर किया हुआ है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चॉकलेट से रिलेटेड रेसिपी करने को मुझे बहुत मज़ा आता है बहुत सारे इनोवेशन मैं क्लासेस के लिए आप सभी के लिए करती रहती हूँ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ आई होप आपको अच्छा लगता है ओके okay, तो यहाँ पे हमारे ग्लासेस रेडी है और हम हम इसे गार्निश करेंगे सम ग्रेटेड चॉकलेट एंड चॉकलेट के साथ ये बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऊपर जब भी चॉकलेट मुंह में आता है तो वो बहुत ही रिच लगता है तो इस ठंडे ठंडे कोल्ड कोको को आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए रेसिपी को और अगर आपको मेरे क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करनी है बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हमारे चलते रहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो थैंक यू सो मच एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर देना थैंक यू